जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय बड़ा खास और बड़ा ही विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे मंदिर में हम घंटी क्यों बजाते हैं, जानेंगे इसकी संपूर्ण जानकारी। जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब वीडियो के साथ में अंत तक, और जो हमारे मित्र इस वीडियो में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, और अपने यार मित्रों में इसे शेयर भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी किया करें वीडियो को। मित्रों, आइए शुरू करते हैं मंदिर में हम घंटी क्यों बजाते हैं। मित्रों, हिंदू धर्म से जुड़े प्रत्येक मंदिर और धार्मिक स्थलों के बाहर आप सभी ने बड़े बड़े घंटे या घंटियां लटकी तो अवश्य देखी होंगी, जिन्हें मंदिर में प्रवेश करने से पहले भक्त श्रद्धा के साथ बजाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि इन घंटियों को मंदिर के बाहर लगाए जाने के पीछे क्या कारण है, या फिर धार्मिक दृष्टिकोण से इनका औचित्य क्या है? जानेंगे आज इसी की संपूर्ण जानकारी। मित्रों, पुराणों के अनुसार मंदिर में घंटी बजाने से मानव में कई जन्मों के पाप तक नष्ट हो जाते हैं। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब जो नाद आवाज गुंजी थी वह आवाज घंटी बजाने पर भी आती है। उल्लेखनीय यह है, नाद ओंकार के उच्चारण से भी जागृत होता है। मंदिर के बाहर लगी घंटी या घंटे को काल का प्रतीक भी माना गया है। कहीं कहीं पर यह भी लिखित है, जब प्रलय आएगा उस समय भी ऐसा ही नाद गूंजेगा। मंदिर में घंटी लगाए जाने के पीछे ना सिर्फ धार्मिक कारण है बल्कि वैज्ञानिक कारण भी इनकी आवाज़ को आधार देते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब घंटी बजाई जाती है तो वातावरण में कंपन पैदा होता है जो वायुमंडल के कारण काफ़ी दूर तक जाता है। इस कंपन का फायदा यह है कि इसके क्षेत्र में आने वाले सभी जीवाणु विषाणु और सूक्ष्म जीव आदि नष्ट हो जाते हैं, जिससे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। मित्रों, इसलिए अगर आप मंदिर में जाते हैं और जाते समय घंटी बजाने को अहमियत नहीं देते हैं तो अगली बार प्रवेश करने से पहले घंटी बजाना ना भूलें। मित्रों, ये थी विशेष तरह की जानकारी मंदिर में लगी घंटी और उसके बजाने के पीछे का कारण। अगर आप इसी तरह की और अन्य जानकारी जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री श्याम।